हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो आज का हमारा लेसन प्लान का टॉपिक है द सोलर सिस्टम। जब भी हम कोई लेसन प्लान बनाते हैं तो उसमें हम कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट में हम फिजिकल साइंस लिखेंगे, टॉपिक हमारा द सोलर सिस्टम है और ये क्लास 8th का टॉपिक है। डेट हम वही फिल करेंगे जिस भी डेट में हम बच्चों को ये लेसन प्लान डिलीवर करेंगे। उसके बाद हम कुछ जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं। जो जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो हमारे सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि अगर बच्चों को हम फिज़िकल साइंस पढ़ा रहे हैं तो उनमें किस तरह का एटीट्यूड डेवलप होगा, फिज़िकल साइंस को पढ़कर उनमें कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आएगी, फिज़िकल साइंस को समझकर वो अपनी डेली लाइफ में उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, अपने डेली लाइफ में वो कैसे इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें जनरल ऑब्जेक्टिव्स में आती हैं। उसके बाद हम कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं, जैसे फर्स्ट इज़ कॉग्निटिव। जो हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो हमारे टॉपिक ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि अगर हम बच्चों को सोलर सिस्टम पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को सोलर सिस्टम पढ़ के क्या फ़ायदा मिलेगा, वो उसे कैसे उसको समझ पाएंगे, सोलर सिस्टम को समझ कर वो उसे अपने डेली लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं, उनका इंटरेस्ट कैसे डेवलप होगा। तो ये सभी पॉइंट्स स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में आ जाते हैं। उसके बाद मटीरियल एड होता है। जो मटीरियल एड है ये प्यूपल टीचर के लिए होता है, जैसे कि चॉक, डस्टर, पॉइंटर, चार्ट, रोलर बोर्ड एक्सेट्रा। तो प्यूपल टीचर इनकी हेल्प से बच्चों को लेसन प्लान डिलीवर करता है। उसके बाद प्रीवियस नॉलेज। स्टूडेंट हैव प्रीवियस नॉलेज अबाउट प्लैनेट्स, मून। अगर हम बच्चों को सोलर सिस्टम पढ़ा रहे हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि उन्होंने पहले कभी प्लैनेट्स, मून के बारे में पढ़ा या सुना ज़रूर होगा। उसके बाद हम इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन बनाते हैं। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन बनाने का जो हमारा मेन पर्पस होता है वो ये है कि हम बच्चों की प्रीवियस नॉलेज अच्छे से चेक कर पाएँ कि उन्हें सोलर सिस्टम के बारे में पहले से क्या पता है, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट जाके बच्चों से पूछने लगे कि व्हाट इज़ सोलर सिस्टम तो उनका कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम उनका इंटरेस्ट डेवलप करते हुए उनसे कुछ क्वेश्चन पूछें तो वो ज़रूर बताएंगे और उनका इंटरेस्ट भी डेवलप होगा। सो हमारा जो पैटर्न होता है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन का वो ज़िगज़ैग फॉर्म में होता है, यानी कि जो क्वेश्चन फर्स्ट का बच्चे आंसर करेंगे उससे ही रिलेट करके हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना होता है। सो हम दो कॉलम बनाएंगे। फर्स्ट में हम लिखेंगे प्यूपल टीचर एक्टिविटीज़ एंड सेकेंड में स्टूडेंट एक्टिविटीज़। सो क्वेश्चन फर्स्ट इज़ ऑन विच प्लैनेट डू वी लीव। हम कौन से प्लैनेट पे रहते हैं, तो ये बच्चे आराम से बता देंगे कि हम अर्थ पे रहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन सेकेंड इज़ अर्थ द ओनली प्लैनेट। क्या सिर्फ एक अर्थ ही प्लैनेट है? सो नो, देर आर सम अदर प्लैनेट्स ऑल्सो। क्वेश्चन थर्ड इज़ नेम सर अदर प्लैनेट्स, मरकरी, अर्थ, वीनस, मार्स, जुपिटर एक्सेट्रा। नाउ क्वेश्चन फोर्थ इज व्हाट ऑल दीज कलेक्टिवली कोल्ड। इन सभी प्लैनेट्स को हम कलेक्टिवली क्या कहेंगे, तो हम इन सबको सोलर सिस्टम बोलेंगे। सो क्वेश्चन फिफ्थ इज व्हाट डू यू नो अबाउट सोलर सिस्टम। आप सोलर सिस्टम से क्या, सोलर सिस्टम के बारे में क्या जानते हैं। सो ये प्रॉब्लमेटिक आंसर हो जाएगा, बच्चों को मे भी अच्छे से इसके बारे में पता हो या ना पता हो। तो अब आप इसको यहाँ पर डिक्लेयर कर देंगे बच्चों को, स्टेटमेंट ऑफ द एम, स्टूडेंट्स टूडे वी विल स्टडी अबाउट द सोलर सिस्टम, और आप हमेशा टॉपिक को अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद हम कुछ टीचिंग पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे फर्स्ट टीचिंग पॉइंट सोलर सिस्टम लिया है। तो प्यूपल टीचर अब सोलर सिस्टम को एक्सप्लेन करेगा, उसका मीनिंग बताएगा। सो प्यूपल टीचर एक्टिविटीज़ में प्यूपल टीचर जो होता है वो कुछ डेवलपिंग क्वेश्चन पूछेगा। डेवलपिंग क्वेश्चन हम लेसन प्लान की डेवलपिंग स्टेज पर पूछते हैं, ये बच्चों को इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए जो मेन टॉपिक है उससे रिलेट करके हम पूछते हैं, तो उनका इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए पूछते हैं। सो क्वेश्चन फर्स्ट इज़ व्हाट इज़ द नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ। तो ये सभी को पता है कि जो नेचुरल सोर्स है एनर्जी का अर्थ पर वो सन है, तो इसका आंसर आ जाएगा द सन। उसके बाद क्वेश्चन सेकेंड इज़ एक्सप्लेन अबाउट सोलर सिस्टम, तो ये प्रॉब्लमेटिक आंसर में हो जाएगा। तो अब हम इसको अपने टीचिंग पॉइंट में एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद हमारे नेक्स्ट कॉलम में आता है टीचिंग मेथड, टीचिंग टेक्निक्स। तो ये क्वेश्चन आंसर मेथड है, प्यूपल टीचर क्वेश्चन आंसर की हेल्प से बच्चों को लेसन प्लान डिलीवर कर रहा है, सो ये क्वेश्चन आंसर मेथड कहलाता है। उसके बाद प्यूपल टीचर स्टेटमेंट लिखा जाएगा, इसमें हम बच्चों को अपना टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे। सो द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सन, प्लैनेट, एस्ट्रॉयड एंड अदर बॉडीज। सो जो सोलर सिस्टम होता है उसमें सन, प्लैनेट, एस्ट्रॉयड और कुछ बॉडीज़ भी होती हैं। द सोलर सिस्टम इज़ अबाउट 4.6 बिलियन ईयर अगो। जो सोलर सिस्टम होता है वो 4.6 बिलियन ईयर पुराना है। अ प्लैनेट हैज़ डेफिनाइट पाथ इन विच इट रिवॉल्व अराउंड द सन, दिस पाथ इज कॉल्ड इन ऑर्बिट, द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द सन एंड दीज ऑब्जेक्ट कीप देम रिवॉल्विंग अराउंड इट। जो प्लैनेट होते हैं उनका एक डेफिनाइट पाथ होता है जिसके वो चक्कर लगाते हैं
सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो इस डेफिनेट पाथ को हम ऑर्बिट कहते हैं। और ये ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है जो सन और इन ऑब्जेक्ट्स यानी कि प्लैनेट्स के बीच में लगा हुआ होता है, जिसकी वजह से वो सन का चक्कर लगाते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे एक्सप्लेनेशन मेथड, क्योंकि प्यूपल टीचर ने ये जो टीचिंग पॉइंट है सोलर सिस्टम इसको एक्सप्लेन किया है, तो ये एक्सप्लेनेशन स्किल में आ जाती है। उसके बाद हम बच्चों से एक इवैल्यूएशन क्वेश्चन पूछते हैं। हम जब भी कोई टीचिंग पॉइंट पढ़ा दें तो उसके बाद हम इवैल्यूएशन क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं, जिससे हमें पता चल जाए कि बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं, उनका ध्यान क्लास में है या नहीं। हमारा जो इवैल्यूएशन क्वेश्चन होता है वो हमारा टीचिंग पॉइंट से ही रिलेट होता है, उससे बाहर से हम क्वेश्चन नहीं पूछते। सो क्वेश्चन इज़ वॉट इज़ ऑर्बिट। ऑर्बिट हमने यहाँ पे अपने टीचिंग पॉइंट में एक्सप्लेन किया है कि एक डेफिनाइट पाथ होता है, तो यहाँ पे बच्चे आराम से इसको आंसर कर देंगे। उसके बाद हम अपना सेकंड टीचिंग पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे जो हमने लिया है प्लैनेट्स, यानी हम बच्चों को प्लैनेट्स के बारे में बताएंगे। सो प्यूपल टीचर एक्टिविटी में हम दोबारा से डेवलपिंग क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि ये दूसरा हमारा टीचिंग पॉइंट है। सो क्वेश्चन फर्स्ट इज़ हु रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो बच्चे इसको आराम से बता सकते हैं कि सन के चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है, सो वो प्लैनेट्स होते हैं। क्वेश्चन सेकंड इज़ विच प्लैनेट इज़ नियरेस्ट टू द सन। तो ये प्रॉब्लमेटिक आंसर में आ जाएगा। बच्चों को मे भी पता हो कि सन के नियरेस्ट कौन सा प्लैनेट है या ना पता हो, तो आप इसे अपने स्टेटमेंट में, प्यूपल टीचर स्टेटमेंट है उसमें एक्सप्लेन करेंगे। सो ये क्वेश्चन आंसर मेथड है ये भी, क्योंकि हमने क्वेश्चन आंसर की हेल्प से बच्चों से पूछे हैं। उसके बाद प्यूपल टीचर है वो एक्सप्लेन करेगा प्लैनेट्स को। सो देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आर सोलर सिस्टम। सो हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। फर्स्ट इज़ मरकरी, इट इज़ नियरेस्ट टू द सन एंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। सेकेंड इज़ वीनस, इट इज़ अर्थ नियरेस्ट प्लैनेट एंड ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन नाइट स्काई। थर्ड इज़ अर्थ, द ओनली प्लैनेट ऑन विच लाइफ इज़ नोन टू एग्जिस्ट ड्यू टू सम स्पेशल एनवायरमेंट कंडीशंस। सो एक अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है ड्यू टू सम स्पेशल एनवायरमेंट कंडीशन, जैसे कि हमारे यहाँ पे टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब बहुत नॉर्मल है। ये और किसी प्लैनेट पे इस तरह का टेम्परेचर और प्रेशर नहीं पाया जाता है, ना इस तरह की एयर पाई जाती है। सो अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिस पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। देन मार्स, इट अपीयर स्लाइटली रेडिश एंड देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रेड प्लैनेट। देन फिफ्थ इज़ जुपिटर, जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट, इट इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट। देन सिक्स्थ इज सैटर्न, इट इज़ येलोइश इन कलर एंड लाइटेस्ट प्लैनेट। देन यूरेनस, इट इज़ कोल्डेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम एंड हैज़ रिंग्स। एंड एट्थ इज़ नेपच्यून, इट इज़ डार्क, कोल्ड एंड वेरी विंडी, इट इज़ लास्ट प्लैनेट। सो यहाँ पे हमने सभी प्लैनेट्स को एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद पीपल टीचर को इस तरह का कुछ मिनिएचर भी अपने लेसन प्लान में लगाना होता है। हमने अगर प्लैनेट्स पढ़ाए हैं तो हम जो पीपल टीचर होता है वो चार्ट की हेल्प से या किसी भी मॉडल की हेल्प से बच्चों को एक्सप्लेन करता है अच्छे से, तो उसका मिनिएचर हमें अपने लेसन प्लान में लगाना होता है। देन फिर से हम एक इवैल्यूएशन क्वेश्चन पूछते हैं, जो भी हमने टीचिंग पॉइंट पढ़ाया है उससे ही रिलेटेड हम इवैल्यूएशन क्वेश्चन पूछेंगे। सो क्वेश्चन इज़ विच इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट। तो ये हम अपने टीचिंग पॉइंट में बता चुके हैं कि लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है, तो बच्चे इसको आंसर आराम से कर देंगे। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट लेंगे, सम अदर मेम्बर्स ऑफ सोलर सिस्टम। हमने सबसे पहले टीचिंग पॉइंट में बताया था कि सोलर सिस्टम में सिर्फ प्लैनेट्स ही नहीं होते हैं, और भी उसके मेंबर्स होते हैं। सो पीपल टीचर एक्टिविटी में हम दोबारा से डेवलपिंग क्वेश्चन पूछेंगे। सो द क्वेश्चन इज द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, ये हमने सबसे स्टार्टिंग में ही बताया था। सो इसमें आंसर आ जाएगा प्लैनेट, स्टार, एस्ट्रॉइड्स एक्सेट्रा। देन क्वेश्चन सेकेंड इज वॉट डू यू नो अबाउट दी अदर मेंबर्स ऑफ सोलर सिस्टम। आप जो अदर मेंबर्स हैं सोलर सिस्टम के उनके बारे में क्या जानते हैं। सो ये प्रॉब्लमेटिक आंसर है, मे बी बच्चों को इसके बारे में पता हो या ना पता हो, लेकिन आपको इसे अपनी टीचिंग पॉइंट में भी एक्सप्लेन अच्छे से करना है। सो ये भी क्वेश्चन आंसर मेथड में आएगा। उसके बाद पीपल टीचर स्टेटमेंट लिखते हैं जिसमें पीपल टीचर अपना टीचिंग पॉइंट एक्सप्लेन करेगा। सो देयर आर सम अदर मेंबर्स ऑफ आर सोलर सिस्टम। फर्स्ट इज एस्ट्रॉइड्स, दीज आर रॉकी ऑब्जेक्ट्स दैट ऑर्बिट अराउंड द सन। Most of them live in the main asteroid belt, a region between the orbit of Mars and Jupiter. जो asteroids होते हैं वो rocky objects होते हैं जो कि sun का चक्कर लगाते रहते हैं। जो इनमें से जो सबसे ज़्यादा asteroid belt जहाँ पाई जाती है वो Mars और Jupiter के बीच में पाई जाती है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा asteroids exist करते हैं। उसके बाद comets, these are cosmic snowballs of frozen gases, rock and dust that orbit the sun.
ये कॉस्मिक स्नोबॉल्स होती हैं फ्रोजन गैसेस की, मतलब कॉमेट्स बहुत ठंडे होते हैं, इनमें डस्ट होता है, और ये भी सन को, सन का ऑर्बिट कर ऑर्बिट लगाते हैं, यानी कि ये भी सर के चारों ओर घूमती हैं। देन मेट्रॉइड्स, दीज आर स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स, समटाइम दीज कम नियर दी अर्थ एंड ड्रॉप अपॉन इट। मेट्रॉइड्स जो होते हैं वो स्मॉल पीसेज होते हैं रॉक के, ये भी समटाइम्स ये, मतलब ये बहुत ही स्मॉल पीसेज होते हैं, तो ये बहुत ही हल्के होते हैं, तो ये कभी भी अर्थ के नियर आ जाते हैं, और जब इनका ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ख़त्म हो जाता है तो ये अर्थ पे गिर भी जाते हैं। सो यहाँ पे प्यूपल टीचर ने सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, तो ये एक्सप्लेनेशन मेथड में आता है, क्योंकि प्यूपल टीचर ने इसे अपने टीचिंग पॉइंट को एक्सप्लेन किया है। उसके बाद फिर से हम इवैल्यूएशन क्वेश्चन पूछते हैं, जो भी हमने अपना टीचिंग पॉइंट पढ़ाया है उससे रिलेटेड हम इवैल्यूएशन क्वेश्चन पूछते हैं। सो क्वेश्चन इज़ व्हाट आर कॉमेट्स, तो ये बच्चे बता देंगे क्योंकि हम इसे अपने टीचिंग पॉइंट में पढ़ा चुके हैं। सो उसके बाद रिकैप्चुलेशन आता है, रिकैप्चुलेशन एक तरह का रिकैप होता है, हमने जो भी टीचिंग पॉइंट्स पढ़ाए हैं हम बच्चों को उन्हें दोबारा से उनमें से क्वेश्चंस पूछते हैं जिससे बच्चों को रिवाइज हो जाए। सो क्वेश्चन फर्स्ट इज, अर्थ इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट, ये ट्रू फॉल्स की फॉर्म में है, तो ये बताना है कि अर्थ क्या लार्जेस्ट प्लैनेट है। क्वेश्चन सेकेंड इज, डिफाइन सोलर सिस्टम। क्वेश्चन थर्ड इज, डैश इज़ द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन, यहाँ पे प्लैनेट का नाम लिखना है, जो भी थर्ड प्लैनेट है सन से उसका यहाँ पे नाम लिखना है, ये फिलअप की फॉर्म में है। एंड क्वेश्चन फोर्थ इज, एक्सप्लेन अबाउट मेट्रॉइड्स। उसके बाद पीपल टीचर को अपने लेसन प्लान में मिनिएचर भी लगाना होता है ब्लैक बोर्ड का, जो भी पीपल टीचर ब्लैक बोर्ड वर्क करता है तो उसका मिनिएचर लगाते हैं, जिसमें कि जो भी टीचर लिखता है पीपल टीचर उसमें वो डेफिनेशन लिख सकता है या कुछ भी, तो वो हमें मिनिएचर एक छोटा सा लगाना होता है। उसके बाद होमवर्क आता है, तो हम जब अपने सारे टीचिंग पॉइंट बच्चों को अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं तो उन्हें हमें कुछ घर के लिए होमवर्क देना होता है। सो क्वेश्चन फर्स्ट इज, डिफरेंशिएट बिटवीन एस्ट्रॉयड एंड कॉमेट्स, इनमें डिफरेंशिएट करके बताना है। क्वेश्चन सेकेंड इज, वाई डज लाइफ एग्जिस्ट ओनली ऑन अर्थ, सिर्फ अर्थ पर ही लाइफ एग्जिस्ट क्यों करती है, तो ये हमने अपने टीचिंग पॉइंट में बताया था कि कुछ स्पेशल फैक्टर्स की वजह से। क्वेश्चन थर्ड इज, विच इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट, तो ये भी हमने एक्सप्लेन टीचिंग पॉइंट में किया हुआ है, तो बच्चे ये होमवर्क घर से करके लाएंगे। सो हमारा आज का लेसन प्लान यहीं पर ख़त्म होता है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और आपको अगर इसी तरह के और फिजिकल साइंस के लेसन प्लान देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको बहुत सारे लेसन प्लान मिल जाएंगे। थैंक यू।